शास्त्र के अनुसार कोई भी व्रत, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि, अगर एक घंटे का भी फर्क हुआ तो वो व्रत निष्फल, यानी आप भूखे रहकर भी फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आइए फटाफट में वरदान दिया न्यूज की पाठशाला में आज जानते हैं कि कोई भी फेस्टिवल दो दो दिन क्यों होते हैं। साथ ही ये भी जान लें, अगर आपको भविष्य में व्रत के लिए दो दो तिथियां आए तो कैसे आप उनमें से सही तिथि चुनेंगे, जिससे आप निश्चित रूप से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वृंदावन, मथुरा, पुरी और द्वारका मंदिर के पुजारियों का कहना है कि 7 सितंबर को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में सूर्य उदय हुआ, इसे श्री कृष्ण जी की जन्म तिथि जन्म नक्षत्र कहा जाता है। इसीलिए 6 सितंबर की बजाय 7 सितंबर को सभी वैष्णव, सन्यासियों और घर गृहस्थी वाले सनातनों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का फैसला किया। ज्योतिषी का मत यह भी है कि इस साल कृष्ण जन्मोत्सव 6 की रात ही मनाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वो ही संयोग बन रहा था जैसा द्वापर युग में बना था। वहीं द्वारका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनाया गया। पुजारियों का कहना था कि 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण जी का 5250वां जन्म पर्व है। आपको बता दें कि 7 तारीख को सूर्योदय के वक्त अष्टमी तिथि थी, इसीलिए उदय तिथि की परंपरा के मुताबिक ज्यादातर मंदिरों में इसी दिन जन्माष्टमी मनाएगी। इसलिए आज से देश के ज्यादातर हिस्सों में 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाएगी। आइए अब आखिर में जान लेते हैं कि ज्यादातर त्योहार दो दिन क्यों आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू पंचांग की तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नहीं होती। अक्सर तिथियां दोपहर या शाम से शुरू होकर अगले दिन तक होती हैं। जिस तिथि में दिन भर व्रत के बाद पूजन का महत्व होता है वो ज्यादातर उदय तिथि में मनाई जाती है। जिन तिथियों में रात की पूजा का महत्व ज्यादा होता है उनमें उदय तिथि का महत्व नहीं देखा जाता है। जैसे दीपावली में अगर अमावस एक दिन पहले ही शुरू हो गई हो तो अगले दिन उदय तिथि की अमावस्या की बजाय एक दिन पहले की अमावस्या पर रात में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा।